हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से च्यवनप्राश घर पर ही। आंवला का ये च्यवनप्राश जो है वो पूरी तरीके से 54 चीज़ों से तो नहीं बना है, लेकिन 12-15 चीज़ें जो घर पे अवेलेबल होती हैं उसी से बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो आंवले। आंवले आप आजकल किसी भी सीज़न में पा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज के भी मिल रहे हैं, या फिर सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही सस्ते हो जाते हैं, तब भी बना सकते हैं। ये च्यवनप्राश बनाकर रखने पर साल भर तक ख़राब नहीं होता है। मैंने च्यवनप्राश को सिंपली पानी से ही बॉईल कर लिया है। कुकर में 3-4 धीमी आंच पे सीटियां लगवा कर आंवला कुछ नरम हो जाने तक हमने ठंडा किया है। अब ये जो बीज है इन्हें निकाल देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद चाहें तो कद्दूकस कर लें, या फिर बीज हटा करके मिक्सी में बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लें। उसके बाद कढ़ाई में देसी घी लेना है। घी से ही च्यवनप्राश बनाया जाता है, घर पे ही बना सकते हैं। ये च्यवनप्राश मैं शुगर फ्री बनाऊंगी, लेकिन घी से फ्री नहीं बनाऊंगी, तेल इस्तेमाल नहीं करूंगी। घी बहुत अच्छा होता है, आयुर्वेदिक जो एक मेडिसिन की तरह से हर मेडिसिन का बेस घी ही यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पर घर का बना हुआ घी लेना है। लगभग 200 ग्राम घी टोटल यूज़ हो जाएगा। अब मैंने घी को गर्म करने के बाद आंवले का जो पल्प तैयार किया था उसको बहुत देर तक चलाया है। इसको बहुत ही हल्के हाथों से चलाते हुए धीमी धीमी आंच पर, जैसे हलवा बनाते हैं ना वैसे बनाना है। फिर मैंने डाला है सेंधा नमक 1 से 1.5 चम्मच। आप चाहें तो दूसरा सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आयोडाइज सॉल्ट में नहीं होते हैं। काला नमक भी आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच सफ़ेद नमक के साथ 1/2 चम्मच काला नमक, उन दोनों का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है गुड़। 100 ग्राम गुड़ ही डाल रही हूँ, गुड़ की मात्रा कम ज़्यादा की जा सकती है। कुछ गरम मसाले लेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर 40 ग्राम काली मिर्च ली है, जावित्री के फूल लिए हुए हैं 3-4, 25 से 30 लौंग, 25-30 हरी इलायची, 6-8 काली इलायची बड़ी इलायची, तेज पत्ता 12-15, दालचीनी के टुकड़े कुछ 8-10। इन सब चीज़ों को बिना सेके या सेक कर कैसे भी, और मैंने यहाँ पे सौंठ ली है, ये सूखी हुई अदरक जो होती है वो, इन सब चीज़ों को सेक करके पीस करके पाउडर बना लिया है और छान कर इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्चुअल में जब च्यवनप्राश बनता है तो उसमें घी, चीनी और आंवले के अलावा बाकी 51 चीज़ें ऐसी होती हैं जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, अलग अलग चीज़ों के छाल, पेड़ की कोई जड़, कोई ऐसे ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल जो किया जाता है। वो सारी चीज़ें हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन ये जो गरम मसाले के इंग्रेडिएंट्स हैं ये सभी घरों में होते हैं। इनका इस्तेमाल करके एक बेसिक सा च्यवनप्राश बनाया जा सकता है जो कहीं ज़्यादा हेल्दी है। ये रेसिपी बजट फ्रेंडली भी है। जब आंवले 20 रुपये किलो मिलते हैं उस समय पर अगर आप ये बना कर रखते हैं, तो घर का बना हुआ जो घी है जो मलाई के ऊपर से निकल रहा है उसमें आप अलग से कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बस थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आपको ये पता है कि वो शुद्ध है, तो ये जो सेटिस्फेक्शन आता है इस तरीके का च्यवनप्राश बनाकर वो बहुत ही बेशकीमती है। बजट वाइज तो ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, साथ ही साथ सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने हाथ से मसाले तैयार कर रहे हैं, अपने हाथ से ही आंवले को कर रहे हैं, घी भी घर का बनाया हुआ है, तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ये रेसिपी शुगर फ्री बनाई है गुड़ की मदद से। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर हमने चीनी ऐड करके दिखाई है, बिल्कुल नाम मात्र की। आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी की वजह से ये थोड़ा सा पतला और ग्लॉसी बनेगा, थोड़ा शाइन आ जाती है चीनी से, और लंबे समय तक चलता है। चीनी प्रिजर्वेटिव का काम कर जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग शुगर फ्री च्यवनप्राश खाना चाहते हैं। ये च्यवनप्राश मैंने गुड़ से बनाया है और लगभग 100 ग्राम ही गुड़ डाला है, तो काफ़ी खट्टा होगा। काली मिर्च अगर ज़्यादा कर दें तो तीखा हो जाएगा। सारा का सारा मसाला मैंने एक साथ नहीं डाला है, उसमें से कुछ ही चम्मच मसाला ऐड किया है। काफ़ी देर तक जब ये घी छोड़ने लायक हो जाएगा तब हम टेस्ट चेक कर लेंगे, और अगर लगता है कि सही बैलेंस है तो ठीक है,
नहीं तो अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो सारा मसाला डाल करके रख सकते हैं। ये जो कंटेनर मैंने लिया है स्टील का कंटेनर है, प्लास्टिक में यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसको गर्म पानी से धो करके लिया हुआ है। इसमें सारा का सारा ये च्यवनप्राश हम निकाल देंगे और रखे रहेंगे, फ्रिज में रखेंगे, इस्तेमाल करते समय हल्का सा माइक्रोवेव करके यूज़ करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।